खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और सभी दलों के सांसदों ने एक साल तक अपने वेतन का 30% हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। कैबिनेट ने सोमवार को इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में 30% कटौती करने की पेशकश की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की थी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के दौरान एक दूसरे से दूर बैठे नजर आए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संकट पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। एडिटर इन चीफ वासन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासन जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है भारत सरकार का और खासतौर से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का। इस संकट की घड़ी में जब हम दूसरों से त्याग, बलिदान, सहयोग की अपील करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो राजनेता हैं, जो सरकार में शामिल हैं, उनको भी अपने लेवल से और अपने जेब से उसी तरह के त्याग और समर्पण का परिचय देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा काम करके एक बहुत ही उचित निर्णय लिया है, बहुत उचित कदम उठाया है। क्योंकि राजनेताओं को तो वैसे ही तमाम तरह की सुविधाएं हासिल है, चाहे वो मेडिकल है, ट्रेवलिंग है, और भी कई तरह की सब्सिडी उनको मिलती है। तो ऐसे स्थिति में अगर वे अपनी सैलरी का 30% कोरोना रिलीफ फंड में देते हैं या कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए खर्च करने के लिए अधिकृत करते हैं तो इससे उनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, वे सब सरकारी खजाने और एक्सचेकर के ही ऊपर उनका सारा खर्च निर्भर रहता है। तो इसलिए उनके जेब से कुछ खर्चा होता नहीं है, चाहे गाड़ी हो, चपरासी हो, कुक हो, हर चीज तो उनको सरकार की तरफ से मिलता है और सैलरीड होता है। तो ऐसी स्थिति में 30% की कटौती उतनी ज्यादा नहीं है, बल्कि इससे भी अगर ज्यादा करते तो ज्यादा सराहनीय काम होता। क्योंकि कई राज्यों की सरकारों ने भी 2-3 दिन पहले ही इस तरह का निर्णय लिया था, खासतौर से तेलंगाना की सरकार ने। तो अगर हम एक राज्य सरकार अफोर्ड कर सकती है कि 30% से लेके 50% और 60% तक कटौती कर सकती है अपने मंत्रियों के, विधायकों के और अपने ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी में, तो केंद्र सरकार भी अगर चाहती तो अपने मंत्रियों की, अपने सांसदों की और अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सैलरी में इससे ज्यादा भी कटौती कर सकती थी। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी किया बेहतर है। और जनता से हम दिनों रात सहयोग की अपील कर रहे हैं, जनता से त्याग की अपील कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये पहल निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जी, बहुत शुक्रिया वासन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।